वेलकम टू द अनदर डू फैक्ट्स वीडियो। आज साउथ की मूवीज इंटरनेशनली अपना नाम काफी बड़ा बना चुकी है, और अगर देखा जाए तो साउथ एक्टर्स ना बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स ही भी ज्यादा फॉलोइंग रखते हैं। नो डाउट इंडिया में साउथ सिनेमा अपने फेम के पीक पर है, और उसका रीजन लोगों का अपनी इंडस्ट्री में हार्डवर्क, डेडिकेशन प्लस ऑफकोर्स टैलेंट है। साउथ एक्टर्स की डिमांड बॉलीवुड में भी हो रही है, ताकि बॉलीवुड अपना मार्केट साउथ में भी बना पाए। पर साउथ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस बॉलीवुड ऑफर्स को कई डिकेड से रिजेक्ट करते आ रहे हैं। इवन उन्होंने बॉलीवुड की ब्लॉक बस्टर मूवीज भी बिना किसी रिग्रेट के रिजेक्ट किया है। सो आज के इस वीडियो में हम आपको साउथ के कुछ ऐसे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवीज भी रिजेक्ट कर दी हैं। बट यस, आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। नंबर वन, अनुष्का अपने बाहुबली मूवी के बाद से ऑल ओवर इंडिया अपनी एक्टिंग से सभी की फेवरेट बन चुकी हैं, और उनकी डिमांड हर फिल्म इंडस्ट्री में भी हो रही है। बट डू यू नो, उनकी बाहुबली मूवी से भी पहले उनका नाम बॉलीवुड के हर डायरेक्टर की जुबान पे था। ऐसे तो आज तक काफी बॉलीवुड डायरेक्टर्स अनुष्का को फिल्म ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद रोहित शेट्टी ने अनुष्का शेट्टी को फिल्म सिंघम ऑफर करी थी, और वो चाहते थे कि अनुष्का उनकी डायरेक्शन में हिंदी फिल्म में डेब्यू करे। अब कमेंट में ऐसा मत बोलना कि दोनों के टाइटल सेम है, रोहित शेट्टी ने उनको अपना फिल्म ऑफर कर दिया। ऑन अदर साइड, साउथ के काफी एक्टर्स बॉलीवुड में मूव हो रहे थे टू एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटी। सिंघम, जो कि ऑफिशियली रीमेक ऑफ सिंघम थी, अनुष्का ने अपनी फर्स्ट हिंदी मूवी जो बॉलीवुड के सुपरहिट डायरेक्टर के साथ डेब्यू होती उसे रिजेक्ट कर दिया। बाद में अपने रिजेक्शन पर साइलेंस तोड़ते हुए अनुष्का ने कहा, उन्होंने इस फिल्म को इस रीजन से रिजेक्ट किया क्योंकि अपनी बिजी शेड्यूल और अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से उनके और टीम सिंघम में मिसकम्युनिकेशन रही। अनुष्का शेट्टी के रूमर्स भी हैं कि उन्होंने पास्ट में काफी बॉलीवुड मूवीज रिजेक्ट की है। लेटर उनको फिल्म इत्तेफाक भी ऑफर की गई थी, बट उन्होंने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। नंबर टू, फहाद फजल मलयालम सिनेमा के करंटली बेस्ट एक्टर में काउंट किए जाते हैं। उनकी एक्टिंग की साउथ एंड बॉलीवुड दोनों ही बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो एक्टर के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी हैं, जिससे उनको सिनेमा का और डीप नॉलेज है। फहाद मलयालम फिल्म डायरेक्टर फजील के बेटे हैं, और उनकी क्वालिफिकेशन भी MA फ्रॉम USA रही है। सो इतने टैलेंटेड एक्टर को विशाल भारद्वाज अपनी फिल्म में कास्ट करने से कैसे मिस कर सकते थे। विशाल भारद्वाज ने उन्हें अपनी फिल्म ऑफर करी थी, उन्होंने इस फिल्म को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि आज वो जो कुछ भी है वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की ही वजह से हैं, और जब वो बॉलीवुड के किसी रोल के लिए कॉन्फिडेंट होंगे तो वो उसे जरूर करना पसंद करेंगे। नंबर थ्री, बॉलीवुड में सबसे पॉपुलर साउथ एक्टर की बात की जाए तो वो नो डाउट अल्लू अर्जुन है। वो साउथ के ऐसे एक्टर हैं जिनकी बॉलीवुड फिल्म अगर रिलीज होती है तो वो जरूर 100 to 200 crore बॉक्स ऑफिस पर इजीली कलेक्ट कर लेगी, बिकॉज नाउ उनका नाम एक ब्रांड बन चुका है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। पर अगर मैं कहूँ अल्लू अर्जुन ने बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी को रिजेक्ट किया है तो आप बिलीव करोगे? बजरंगी भाईजान के फर्स्ट चॉइस अल्लू अर्जुन थे, और इस फिल्म को बॉलीवुड में ही नहीं साउथ में भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज करने के प्लान थे, पर उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। एंड लेटर इसे ऋतिक रोशन को भी ऑफर किया गया, बट उन्होंने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। और फाइनली इस फिल्म में सलमान खान ने एक्ट किया, और ये फिल्म अपने टाइम की मोस्ट सक्सेसफुल मूवी रही। एक और सरप्राइजिंग बात आपको बता ही देता हूँ, रिसेंटली उन्होंने रणवीर सिंह लीड फिल्म 83 को भी रिजेक्ट किया है। नंबर फोर, निविन पॉली। अगर आपने इनका नाम पहली बार सुना है तो लेट अस टेल यू, निविन पॉली मलयालम सुपरस्टार एक्टर हैं, और उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल से काफी स्टेट अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं, साथ ही इन्होंने इंफोसिस में भी जॉब किया है। निविन पॉली को अनुराग कश्यप के फिल्म मनमर्जिया में विकी कौशल के कैरेक्टर का रोल ऑफर किया गया था, एंड लेटर इन्हें सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरी भी ऑफर किया गया था। इनफैक्ट निविन पॉली छिछोरी की फर्स्ट चॉइस थे। नंबर फाइव, मोस्टली कनाडा फिल्म्स में नजर आने वाले पुनीत राजकुमार की सडन हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। वो एक अच्छे एक्टर के साथ साथ काफी अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे, और उनकी इस न्यूज ने पूरे नेशन को शॉक में डाल दिया। पुनीत राजकुमार एक एक्टर, वॉइस एक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। पुनीत राजकुमार को भी बजरंगी भाईजान फिल्म ऑफर किया गया था, पर वो स्क्रिप्ट से इतने इम्प्रेस नहीं हुए और उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। नंबर सिक्स, दर्शन ठोगुडीपा। नोन बाय स्टेज नेम दर्शन, एक कनाडा एक्टर प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने 1990s में सोप ओपेरा एंड स्मॉल फिल्म्स में अपने करियर की शुरुआत की। ये वन ऑफ लीडिंग कंटेम्प्रेरी एक्टर ऑफ कनाडा सिनेमा हैं। इनकी 4 मूवीज कनाडा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज है, जिसकी वजह से इन्हें दबंग 3 में एक एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करने का ऑफर मिला था, बट उन्होंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया।
नंबर 7, विजय देवरकोंडा साउथ के ऐसे एक्टर्स में से हैं जिनकी मूवीज को हमने बहुत इंजॉय किया है और उनके एक्टिंग एंड लुक्स के तो फैन ही हो चुके हैं। मोस्टली विजय को हम सभी उनकी फिल्म डियर कॉमरेड एंड अर्जुन रेड्डी से जानते हैं और विजय की पॉपुलैरिटी इन फिल्म से ऑल ओवर इंडिया है एंड उनकी पर्सनैलिटी से बॉलीवुड ने भी इन्हें काफी नोटिस किया और इन्हें एज बैंकेबल एक्टर रिकॉग्नाइज किया। विजय ने बॉलीवुड की काफी मूवीज रिजेक्ट की है और सम ऑफ देम वेरी हाई बजटेड फिल्म रही। करण जौहर विजय से एक्टर काफी इंप्रेस रहते हैं और करण ने विजय को डियर कॉमरेड की हिंदी रीमेक ऑफर की थी और साथ ही उन्हें कबीर सिंह भी ऑफर हुआ। करण जौहर ने उन्हें एक और फिल्म स्ट्रेट ऑफर किया पर विजय ने उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नंबर 8, नेशनल क्रश ऑफ इंडिया रश्मिका मंदाना को उनके एक्टिंग एंड क्यूटनेस की वजह से ऑडियंस उनकी फिल्म को देखना काफी पसंद करती है। रश्मिका ने 2016 में कन्नड़ा इंडस्ट्री में फिल्म क्रीक पार्टी से अपना डेब्यू किया और तेलुगु इंडस्ट्री में 2018 में चलो फिल्म से डेब्यू किया। नाउ शी इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड एक्ट्रेस ऑफ साउथ एंड बॉलीवुड एज वेल। उन्हें शाहिद कपूर के साथ फिल्म जर्सी में स्क्रीन शेयर करने का ऑफर मिला पर उन्होंने इस फिल्म को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो फिल्म के लिए उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। तो हमें आप जरूर बताइए कि आपको फिल्म जर्सी में शाहिद कपूर एंड रश्मिका मंदाना को साथ में देखना कैसा लगता। नंबर 9, आपको साउथ फिल्म पसंद है और आपने महेश बाबू की फिल्म ना देखी हो ऐसा आई डोंट बिलीव कि कभी भी हो सकता है। महेश बाबू साउथ के बिगेस्ट स्टार्स में काउंट होते हैं और उनके फिल्म के रीमेक बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर रहे हैं। मोस्टली हमने उनके हिंदी डब्ड फिल्म ही देखे हैं और कभी भी उन्हें हमें बॉलीवुड फिल्म्स में देखने का मौका नहीं मिला। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी महेश बाबू को बॉलीवुड की फिल्म्स ऑफर ही नहीं की गई हो। उनके कई ऐसे र्यूमर्स सामने आए हैं कि उन्होंने बॉलीवुड की काफी बिग बजटेड फिल्म्स भी रिजेक्ट करी है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके एनी टाइम सून कोई भी ऐसे प्लान्स नहीं है कि वो बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे। वेल, अगर आप महेश बाबू को बॉलीवुड फिल्म्स में देखना चाहते हैं तो आप हमें बताइए कि वो कैसी फिल्म होनी चाहिए। नंबर 10, अभी जिस एक्टर की सबसे ज्यादा हाइप एंड डिमांड पूरे इंडिया में हो रही है वो यश की है। केजीएफ स्टार यश अपनी फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 से इतने पॉपुलर हुए हैं उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि जिस बेसब्री से हम सभी केजीएफ चैप्टर 2 का वेट कर रहे हैं वो तो अलग ही लेवल पे है। यश वैसे तो कन्नड़ा इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं बट उनका वेट हिंदी फिल्म्स भी बहुत कर रही है। यश को उनके फेमस बियर्ड लुक एंड स्टाइल की वजह से सैफ अली खान की फिल्म लाल कप्तान ऑफर की गई थी जिसे उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल एंड स्क्रिप्ट में खास इंटरेस्ट ना होने की वजह से रिजेक्ट किया। We hope आपको हमारी रिसर्च बेस्ड वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हम ऐसे यूनिक टॉपिक पर आपके लिए पसंदीदा वीडियोस लाते रहेंगे। सो देर किस बात की यार, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके लिए सबसे सरप्राइजिंग फिल्म रिजेक्शन कौन सा था। इसी के साथ ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दुडू फैक्ट्स को एंड टू गेट ऑल द अपडेट्स हिट द बेल आइकन नाउ।